शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका बेटा राज अब कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। कामिया जी, आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा मैं जो कह रही हूं? अरे यकीन कैसे आएगा? राज को आ जाने दीजिए, फिर बात करते हैं। आपको क्या लगता है मैं यहाँ आपके बेटे की एनिवर्सरी पार्टी मनाने आई? देखिए कामिया जी, आप राज के ऑफिस में काम जरूर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्यूज मी मिसेस गोयल, प्रिंस थापर को किसी के साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं उसकी कलीग नहीं। देखिए, मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। राज जरा बाहर गया है, अभी बस आता ही होगा। लिसन टू मी एंड लिसन टू मी प्रॉपरली, मैं यहां पे मतलब नहीं आई हूं। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूं कि जिसे आप लोग राज समझते हैं वो राज नहीं, प्रिंस है। प्रिंस जेट थापर, थापर ग्रुप का मालिक, मेरा मंगेतर, मेरा होने वाला पति। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। देखिए कामया जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हम आपसे ये कह रहे कि मनोज, इनसे बात करने की क्या जरूरत है? तुम अपने भाई को फोन लगाओ, उसे कहो तुरंत इस वक्त यहाँ आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लगाओ फोन रात को। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मानना पड़ेगा प्रिंस को, क्या कमाल की एक्टिंग की है राज की। क्या आप में से कोई भी मेरा यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं है? भी अपने पति को पहचान नहीं पा रही है। देखिए, ये बात को ज्यादा ही ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ पर? मजाक तो आप लोग कर रहे हैं अपने आप के साथ, मेरे साथ, मेरे प्रिंस को जबरदस्ती यहाँ रखकर, उसे अपना राज मानकर, और वो पता नहीं किस पछतावे की वजह से यहाँ पर पड़ा हुआ है आप लोगों का झूठा रिश्तेदार बनकर। देखिए, आप हमारे लिए मेहमान की तरह हैं, बेहतर होगा आप यहाँ से अपने आप चले जाइए। कमाल है, आप लोगों को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं है। कोई बात नहीं, अपनी इस बहू पर तो विश्वास होगा ना, पूछिए इससे, ये आप लोगों को सच बताएगी। बताओ रानी, बताओ इन्हें कि सच क्या है, पूछिए। रानी, ये क्या कह रही है? बोल रानी, हम सबको बता, तेरी खामोशी बहुत खतरनाक है इस वक्त। रानी, भगवान के लिए कुछ बोल कि ये जो बोल रही है क्या बोल रही है। रानी, अगर तू चुप रही तो मैं चुप नहीं रहूंगी आज।
मैं अभी और इसी वक्त इस बात को खत्म करना चाहती हूँ। बोल रानी। रानी बेटा कुछ तो बोलो बेटा। देखो बेटा ये तुम्हारी चुप्पी हम सबको बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है बेटा, सच क्या है, बोलो ना बेटा। बताओ इन्हें रानी कि तुमने अपने हाथों से अपने पति का अंतिम संस्कार किया है। हमने अपना राज खो दिए। ये तो क्या कह रही है बेटी? प्रिंस की वजह से हमने अपना राज खो दिया। उस दिन जब राज हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने तो भगवान की मर्जी को ही अपनी किस्मत समझ लिया। चौथे वाले दिन जब प्रिंस हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हम सबको लगा हमारे राज वापस आ गए। हरे किशन जी ने भी राज की याददाश्त खो जाने का झूठा बहाना बनाया। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया, दो दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी है। हमारी हमारी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा, लेकिन किसी तरह से करण को असलियत का पता चल गया। करण ये किसका घर है? तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो? राज। रानी, ये प्रिंस जय थापर है। जब करण ने हमें बताया तो हमने उसी वक्त प्रिंस को अपने घर से निकाल दिया। अपन का जो अपनी गंदे जुबान से हमारा नाम लिया तो ये बात हम माँ पापा को भी बताना चाहते थे, लेकिन पापा की हालत देखकर हमें मजबूरन प्रिंस को वापस घर लेके आना पड़ा। हम बस इतना चाहते कि ये झूठ जो तुमने शुरू किया है इसे पापा की तबीयत ठीक होने तक जारी रखे। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। कैसे बताते सबको कि उनका राज अब इस दुनिया में नहीं। वो हम सबको छोड़ के चला गया।
हमें नहीं थी हिम्मत ये सब बताने की पापा। थैंक गॉड। आई थिंक अब आप लोगों को सच पता चल गया होगा। That's all. The game is over. अब मेरा प्रिंस सिर्फ मेरे साथ रहेगा। उसे किसी भी पछतावे की या राज बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। I'm sorry, but I was helpless. And thank you so much. क्या सोच रहे हैं प्रिंस? ये सोच रहा हूं कि जिस परिवार में मुझे इतना प्यार मिला, जिन लोगों ने मुझ पर इतना विश्वास किया, कैसे कैसे बता पाऊंगा उन्हें ये सच? इतना प्यार और इतना अपनापन तो मुझे अपने परिवार में नहीं मिला। बाप का अधिकार, माँ का प्यार, बहनों का लाड, भाई की डांट, ये सब मैंने राज के घर में जाना है महसूस किया है। कैसे बताऊं मैं उन्हें भयानक सच? कैसे बताऊंगा कि उनका राज अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा हरिका का। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा हरिका का। क्यों किया तुमने ऐसा रानी? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारे इस एक झूठ ने एक मां की ममता को छला है, एक पिता से उसके बेटे को कंधा देने का हक छीना है। मुझे और मेरी बहनों के प्यार को धोखा दिया है तुमने। मनोज बस कर, बहुत हो गया। तूने रानी को सारे रिश्ते गिना दिए, सारे रिश्तों के हक को और दुख को भी गिना कर रख दिया। इसके बारे में सोचा है? इस बेचारी ने भी अपना पति खोया है। हम लोगों के लिए अपने आंसुओं को छुपाया है और हमारे सामने मुस्कुराती रही। इसके बारे में सोच मनोज, कैसा पत्थर रखा इसने अपने कलेजे पर। रानी बेटी, तेरे आगे सर झुकाने का मन करता है। वाह, बहुत बड़ा दिल है बेटा, बहुत बड़ा दिल है। तब बेटा, तूने जो कुछ किया सगी बेटी भी नहीं कर सकती ना। संदीप जी, धन्य आप, आपने तो हमारी झोली में रतन डाल दिया। इसका कोई मोल नहीं। बेटे को मरने के बाद कंधा नहीं दे पाया, इस बात का तो अफसोस है मुझे, लेकिन उससे भी बड़ा अफसोस है कि
अपनी रानी बेटी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दू भी तो किस मुंह से दू। ऐसी नहीं है, उसके हाथ मेरे मेरे भाई के खून से रंगे हैं। वो लाख अच्छा बन जाए, लाख सेवा कर ले सबकी, लेकिन क्या उसका पाप कम हो जाएगा? बेटे के प्यार के मोह में मेरी आंखों के सामने तो पर्दा पड़ा हुआ था, एक मां होकर भी मैं पहचान नहीं पाई कि वो मेरा बेटा नहीं। वैसे बता रहे हैं हम पूरा दोष उस अकेले प्रिंस को ही दे रहे हैं। ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना समधन जी। कसूर तो रानी बिटिया का भी है, थोड़ा बहुत कसूर तो रानी बिटिया का भी है। ये भी तो इतने दिन चुपचाप गैर मर्द के साथ रह रही थी, गैर मर्द के साथ रह रही थी। थोड़ा बहुत कसूर तो रानी बिटिया का भी है, रानी बिटिया का भी मर्द के साथ रह रही है।